जब सत्ता की ताकत के सामने सवाल कमजोर पड़ जाए तो आवाज बुलंद करनी पड़ती है। बोल कि लब आजाद है तेरे, न्यूज क्लिक पर मेरे साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं बोल किला आजाद है तेरे, मैं अभिसार शर्मा। इस ट्रेन को देखिए दोस्तों, उत्तराखंड में घटना हुई है। 35 किलोमीटर तक ये ट्रेन उल्टी चलती रही। बिल्कुल सही सुना आपने, 35 किलोमीटर तक उत्तराखंड के अंदर ये ट्रेन उल्टी चलती रही। और ये हालत सिर्फ उत्तराखंड की नहीं है, पूरे देश की है। मैं आज आपको बताने वाला हूं कि क्यों इंडिया को एक बीमार सोच से बचाने की जरूरत है। सबसे पहले उत्तराखंड आपको बधाई हो, क्योंकि त्रिवेंद्र सिंह रावत के बाद आपको तीरथ सिंह रावत हुआ है। मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि उत्तराखंड में ट्रेन उल्टी चलती है और अब जो मुख्यमंत्री बने हैं दोस्तों, उनकी सोच भी पूरे राज्य को उल्टी तरफ ले जा रहे हैं। और उनकी सोच का खामियाजा नुकसान न सिर्फ उत्तराखंड को है बल्कि पूरे देश को है। वो मैं आपको बताऊंगा क्यों। क्या आप जानते हैं कि उत्तराखंड में जो कुंभ मेला होने वाला है, जब त्रिवेंद्र सिंह रावत की सरकार थी तब उन्होंने एक नियम बनाया था कि डुबकी लेने के लिए जरूरी है कि आपके पास कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट हो, यानी कि आपको कोरोना ना हो। ये सज्जन मुख्यमंत्री बने, उन्होंने उस नियम को ही हटा दिया। मगर आज मैं आपसे क्यों चर्चा कर रहा हूं दोस्तों, ये जो कदम उन्होंने कुंभ में हटाया, कहीं ना कहीं वो खिलवाड़ कर रहे हैं उन लाखों लोगों की जान के साथ जो अपने बुजुर्ग मां बाप के साथ, अपने बच्चों के साथ कुंभ पहुंचेंगे। और हो सकता है वहां पर कई संक्रमित लोग भी पहुंच जाएं जो कोरोना पॉजिटिव हों। और हम देश के उस मुकाम पर हैं, वक्त के उस मुकाम पर हैं जहां कोरोना महामारी फिर बढ़ रही है। और इन सज्जन ने कोरोना नेगेटिव, जो जरूरी था कुंभ मेला अटेंड करने के लिए, वही हटा दिया। मगर मैंने आपको क्यों बताया कि उत्तराखंड की उस गाड़ी की तरह उत्तराखंड ही नहीं पूरा देश उल्टा चल रहा है। मिले तीरथ सिंह रावत से, ये किसी ट्रेन के अंदर इनकी मुलाकात हुई किसी महिला से। इनका कहना है कि उस महिला ने बूट पहने हुए थे, मेरी नजर उनकी बूट की तरफ गई, फिर उनके घुटनों की तरफ गई तो घुटनों में देखा उनकी जींस फटी हुई थी, मैंने फिर और ऊपर निगाहें डाली। यानी कि एक शख्स जो इस राज्य का मुख्यमंत्री है, वो लगातार एक महिला को देख रहा है और उसे इस बात को आपत्ति है कि जिस महिला की जींस घुटनों में फटी है, वो अपने बच्चों की परवरिश क्या करेगी, वो संस्कार क्या रखेगी। पहले आप सुनिए ये सज्जन कह क्या रहे हैं, उसके बाद मैं इसकी चर्चा करता हूं। लेकिन मैं जब उनकी तरफ देखा तो नीचे गमबूट थे, जब और ऊपर देखा तो घुटने फटे थे, हाथ देखे तो कई कड़े थे। लेकिन जब ये घुटने देखे, बच्चे दो साथ भी उनके, मैं कहा बहन जी कहां जाना, दिल्ली जाना, हस्बैंड कहां है, जेएनयू में प्रोफेसर है, तो मैं क्या करती हूं, मैं एनजीओ चलाती हूं, एनजीओ चलाती है, घुटने फटे दिखते हैं, समाज के बीच में जाती हूं, बच्चे साथ में है, क्या संस्कार। मैं आपसे जानना चाहता हूं दोस्तों, अगर किसी की जींस घुटनों में फटी भी हो और अगर आप ट्रेन में प्लेन में बैठे हो और कोई सज्जन लगातार आपकी बहन, आपकी पत्नी को घूर रहा हो, आपकी वाइफ को घूर रहा हो, तो कैसा लगेगा आपको। ये सज्जन अब हमारे मुख्यमंत्री हैं। और मैं आपको बतला दूं, अगर ये संस्कारी काम ना होता ना, तो रामदेव पतंजलि ने जीन्स भी जो है वो बेच रही है। और रामदेव ने एक इंटरव्यू में कहा था मेरी दोस्त नेहा पंत को कि देखिए हम जीन्स लेकर आए हैं और ये जीन्स फटी हुई जीन्स भी हम बेचते हैं जो आजकल फैशन में है। यानी कि जब पैसे कमाने होते हैं, जब इन्हें जनता को अपनी तरफ करना होता है, तब तो ये कुछ भी बेच सकते हैं साहब। एक जमाने में इसी रामदेव ने जींस के बारे में न जाने क्या क्या कहा था, मगर जब बेचना था जींस तो ये भी फटी हुई जींस बेच रहे हैं। तो तीरथ सिंह रावत जी, जरा रामदेव जी से ही बात कर लीजिए। औरतों को इस तरह से घूरना प्लेन या ट्रेन के अंदर, इससे बेहतर है कि आप रामदेव से बात कर लें कि वो क्यों बेच रहे हैं, क्योंकि रामदेव भी तो उत्तराखंड के है ना। पतंजलि की जो पूरी प्रयोगशाला है वो तो उत्तराखंड की है। अब इनका एक और बयान देखिए दोस्तों, कि किस तरह से उत्तराखंड की ट्रेन पीछे जा रही है।
यहां पर ये कह रहे हैं कि हमारे गांव में चंडीगढ़ से एक लड़की आई और उसने कुछ ऐसे कपड़े पहने हुए थे कि लड़के उसके पीछे पड़ गए और उसका बहुत मजाक बनाया गया। यहां पर भी वो जो है हमला लड़की पर कर रहे हैं। सुनिए इनकी बात। एक बार का सीन मुझे पढ़ता था, एक चंडीगढ़ से आई लड़की, वो हमारे यहाँ की थी, चंडीगढ़ की नहीं थी, माफ करना, थी पहाड़ी की पर चंडीगढ़ की से आई, श्रीनगर आई, और उसके आप क्या बोलते हो, जो कट क्या बोलते, पहली बार नया नया, तो ऐसे दिख रहे थे लड़के उसको, बस आ गई बंबई से है कोई क्यों, और उसका कुछ दिन ऐसा मजाक बना, ऐसा मजाक क्योंकि सारे पीछे भागना शुरू कर दिए। यूनिवर्सिटी में पढ़ने आए हो क्यों, अरे बदन दिखा रहे हो। तीरथ सिंह रावत, आप एक एडमिनिस्ट्रेटर हैं, अगर आपको इस मुद्दे पर आपत्ति दर्ज करनी चाहिए थी तो उन लड़कों पर आपत्ति दर्ज करनी चाहिए थी जो उस लड़की को छेड़ रहे हैं। यह किस तरह की पैतृक सोच है, यह किस तरह की कुंठित सोच है कि आप दोष लड़की पर मढ़ रहे हैं। उसने जो भी पहना हो, यहां आपको आपत्ति उन लड़कों के बर्ताव पर करना चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा था ना कि जब हमारा बेटा बाहर जाता है तो मां बाप को पूछना चाहिए कि वो कहां जा रहा है। मां बाप बेटे से कभी नहीं पूछते हैं, मां बाप पूछते हैं बेटी से। और यहां पर भी ये सज्जन जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भक्ति करते हैं, इन्हें अब मुख्यमंत्री बनाया गया है, यहां पर भी ये दोष लड़कियों पर मढ़ रहे हैं। इनकी सोच देखिए दोस्तों, अगर कोई किसी की जींस घुटने पर फटी है तो वह बच्चों की परवरिश नहीं कर सकती, अगर किसी लड़की ने कुछ खास किस्म के कपड़े पहने हैं तो लड़कों को अधिकार है उसके पीछे दौड़ने का। गाड़ी पीछे दौड़ रही है और यह बहुत ही कुंठित सोच है। अब दूसरी मिसाल देता हूं दोस्तों कि किस तरह से इंडिया को एक बीमार सोच से बचाने की जरूरत है। टासना देवी मंदिर में एक 14 साल के मुस्लिम लड़की की बेरहमी से पिटाई करता है श्रृंगी यादव नाम का एक शख्स। यह श्रृंगी यादव वो शख्स है दोस्तों जो पूरी तरह से प्रेरित था यति नरसिंहानंद सरस्वती से, वो यति नरसिंहानंद सरस्वती जिसने दिल्ली दंगों से पहले जहरीले बयान दिए, अनाप शनाप बयान दिए, और 14 साल के उस लड़के को इसलिए बेरहमी से पीटा गया क्योंकि उसने मंदिर में पानी पिया। बाद में पूरा एक प्रचार चलाया गया दोस्तों श्रृंगी यादव के समर्थन में, और यहां तक कि आसिफ को चोर भी कहा गया कि वो चोरी करने गया था। मैं आपसे दो मिनट के लिए कल मान भी लूं तो क्या आपको अधिकार मिल जाता है एक बच्चे को इस कदर बेरहमी से मारने के लिए, जिसके अंदर यह भी कहा जा रहा था कि मैंने उसको नपुंसक कर दिया। और यह कौन था श्रृंगी यादव जिसके दिमाग में जहर भरने का काम उस यति महाराज ने किया था। तो अगर आप मुझे कह रहे हैं कि उसकी सोच में वो मुस्लिम हेट नहीं था तो और क्या था। मगर आज हम उस बीमार समाज में जी रहे हैं जिसने एक मुस्लिम बच्चे को पीटने की वजह भी बना ली है, उसको भी वो जस्टिफाई कर रहा है। सोच के सिहरन पैदा होती है दोस्तों कि हम एक ऐसे समाज में बड़े हो रहे हैं, पनप रहे हैं, जहां एक बच्चे को डीमोनाइज किया जाएगा, एक बच्चे को इस कदर बदनाम किया जाएगा, एक बच्चे पर हिंसा प्रयोग करने की वजह ढूंढी जाएगी, उसे जायज ठहराया जाएगा। और यहां बात नहीं रुकती, जैसे ही घटना होती है तो प्रचार तंत्र क्या करता है, और इसमें इनके कुछ दो कौड़ी के पालतू पत्रकार भी हैं, इन्होंने एक वीडियो चलाया जिसमें यह बताया कि ये देखिए ये दो लड़के जो हैं हमारे धार्मिक स्थलों के ऊपर, अब मैं कहना नहीं चाहता हूं दोस्तों, पेशाब कर रहे हैं। और जाहिर सी बात है उसके जरिए यह बतलाने का प्रयास था कि ये जो दो लड़के हमारे धार्मिक स्थलों पर पेशाब कर रहे हैं वो मुसलमान थे, जबकि वो घटनाक्रम आज से 3 साल पहले का था, तेलंगाना का था, और जिन दो लड़कों ने यह काम किया, एक का नाम था रमेश, दूसरे का नाम आनंद, और यह पड़ताल ऑल्ट न्यूज ने की थी। आप देख रहे हैं दोस्तों, पहले उस 14 साल के बच्चे को बेरहमी से पीटना और उसके बाद उसे जायज ठहराने के लिए
उस हिंसा को जायज ठहराने के लिए श्रृंगी यादव का समर्थन करना, श्रृंगी यादव का ब्रेन वॉश करने वाला यति नरसिंहानंद सरस्वती उसके समर्थन में उतर के आना और फिर एक झूठे वीडियो का सहारा लेना उस कृत्य को सही ठहराने के लिए। हमारी गाड़ी पीछे ही नहीं जा रही है, घिसट रहे हैं। हम सोच के लिहाज से पीछे जा रहे हैं। इस देश का दुर्भाग्य यह होता जा रहा है मौजूदा सोच में, चाहे एक मुख्यमंत्री हो या एक प्रभावशाली प्रचार तंत्र हो या पत्रकार हो, इन सभी को आप देखें तो उसी घटिया सोच से ग्रसित दिखाई देते हैं। अब मैं एक और खबर देता हूं आपको। राहुल गांधी से एक इंटरव्यू में पूछा गया कि आप भारतीय यूनिवर्सिटीज में लेक्चर क्यों नहीं देते, तो उनका यह कहना था कि मुझे इजाजत नहीं है। हालांकि मेरा यह मानना है कि यूनिवर्सिटीज में अगर कोई राजनेता लेक्चर ना दे तो कोई नुकसान नहीं है, मगर अगर एक यूनिवर्सिटी में एक पॉलिटिकल पार्टी के समर्थन में प्रचार चलता है तो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को भी इजाजत मिले। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूं दोस्तों। मैं कॉलेज में था और उस वक्त राम मंदिर आंदोलन चरम पर था, और मैं नहीं भूला हूं कि उस वक्त कांग्रेस शासित प्रदेशों की कई यूनिवर्सिटीज में, कई कॉलेजेस में अटल जी आया करते थे भाषण देने। मैंने खुद सुना है उनको। इसका क्या अर्थ हुआ दोस्त, कि वो एक दौर था, उस वक्त देखिए बहुत जबरदस्त दौराव था, बहुत जबरदस्त जहर था माहौल में, मगर फिर भी परस्पर विरोधी विचारधाराएं जो वे अपनी बात रख सकते थे। अब वो पूरी तरह से खत्म हो रहा है, जैसा कि राहुल गांधी कह रहे हैं। मगर ये मुद्दा मैं आपके सामने क्यों ला रहा हूं, मुद्दा राहुल गांधी नहीं है। आपकी स्क्रीन पर ये हैं प्रताप भानु मेहता, वरिष्ठ पत्रकार हैं, अशोका यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर थे, सत्ता से सवाल करते थे। अभी कुछ ही 2 साल पहले वाइस चांसलर पद से हटे और अशोका यूनिवर्सिटीज में महज प्रोफेसर रह गए। अब जो खबर आ रही है आपको चिंतित करनी चाहिए। अब प्रताप भानु मेहता ने अशोका यूनिवर्सिटी से इस्तीफा दे दिया है, जबकि अशोका यूनिवर्सिटी सरकारी यूनिवर्सिटी नहीं है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। प्रताप भानु मेहता के लेख को मैं जब भी पढ़ता हूं तो मैं आपको बता नहीं सकता हूं खुद को कितना धनी महसूस करता हूं मैं उनकी विचारों से, उनकी सोच से। और मैं आपको बता दूं, प्रताप भानु मेहता जो है वो किसी पॉलिटिकल पार्टी के पिट्ठू नहीं है। 2006 में जब यूपीए की सरकार थी तब इन्होंने नॉलेज कमीशन से इस्तीफा दिया था, क्योंकि वो इत्तेफाक नहीं रख रहे थे वहां की कार्यशैली से। इनके लेखों पर आप विचार कीजिए, जिस तरह से मैंने 2014 से पहले कड़ाई से उस वक्त की सरकार से सवाल किए थे, उसी तरह से प्रताप भानु मेहता भी लगातार उस वक्त जो सत्ता में सरकार थी उनसे सवाल करते थे। मगर आज एक सरकार इतनी असुरक्षित है कि विचारधारा अगर उलट हो तो आप उन्हें बने नहीं रहने देना चाहते, उन्हें हटा देते हैं। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि देश की ट्रेन पीछे जा रही है। और वो जो तस्वीर मैंने आपको कार्यक्रम की शुरुआत में दिखाई थी वो सांकेतिक नहीं है, वो इस देश की हकीकत है। आप माने या ना माने, आप अगर खुश हैं तो बहुत अच्छा है, आप इसी माहौल में इसी सोच में अपने बच्चों की परवरिश कीजिए। मगर एक दिन जब ये सब खत्म होगा तब आपको अपनी गलती का खामियाजा इसका भुगतना पड़ेगा आपको। मैं आपको एक और मिसाल देता हूं दोस्तों। जब शिवराज सिंह चौहान की सरकार थी मध्य प्रदेश में, यानी कि जब कमलनाथ ने उनको हराया था, उससे पहले वाला वक्त 2018 में, तब भोपाल की एक यूनिवर्सिटी ने, एक बहुत ही सम्मानित यूनिवर्सिटी ने अपने कॉलेज कैंपस में गौशाला खोल दी। और उस यूनिवर्सिटी में और क्या हो रहा था मैं आपको बता दूं, वहां के जो पत्रकारिता के छात्र हैं उनका इस्तेमाल किया जाता था जब बीजेपी की कोई रैली होती थी या लोकसभा चुनाव होते थे। और यही नहीं, पत्रकारिता के नाम पर वहां साधु बाबा या टीवी चैनल्स पर जहर उगलने वाले एक्सपर्ट्स आके उनको लेक्चर्स देते थे, या गोदी मीडिया के पत्रकार जो पूरी तरह से नतमस्तक है बीजेपी के सामने, वो आके उन्हें लेक्चर देते थे। उसके बाद जब कमलनाथ की सरकार आई तब एक पत्रकार वहां के वीसी बने, और उसके बाद सही मायने में जो पत्रकार हैं जिन्होंने 2014 से पहले अपना कर्तव्य निभाया वो आके लेक्चर्स देने लगे। अब फिर से उस यूनिवर्सिटी में क्या हो रहा है, एक खास किस्म की सोच, एक खास किस्म की चीजें पनप रही है। यह हालत हमारी यूनिवर्सिटीज की हो रही है।
आप जेएनयू में जाइए, दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाइए, विचारों के लिहाज से एक किस्म की हवा बहलाने की बहाने का प्रयास एक तरह से किया जा रहा है। एक खास विचारधारा से प्रेरित होना कोई दिक्कत की बात नहीं है, मगर आप उस विचारधारा का सहारा लेके समाज में जहर ना बोएं। आप दक्षिणपंथी हो सकते हैं, वामपंथी हो सकते हैं, दोनों बहुत बेहतरीन बात है। एक जमाने में मैं भी दक्षिणपंथी था कॉलेज में, मगर उस विचारधारा से प्रेरित होते हुए मैंने कभी धर्मनिरपेक्षता को लेकर, इंसानियत को लेकर अपने फर्ज को नहीं भूला। और आज मैं किसी विचारधारा से प्रेरित नहीं हूं। आज मेरी विचारधारा, जब मैं आपसे न्यूज क्लिक के मंच पर बात करता हूं, तो मेरा विचारधारा है पत्रकारिता के उसूलों के प्रति ईमानदारी, वही मेरी विचारधारा है। आज हमारी यूनिवर्सिटीज में एक खास किस्म की सोच बरपा कर उन तमाम चीजों को खत्म किया जा रहा है, और यह अपने आप में एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। बोल के अब आजाद है तेरे में बस इतना ही। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। Thank you.